नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली सबको, सब व्यूवर्स को। तो अभी विंटर फ्लावर्स जो है लगाने का सीज़न अभी चल रहा है। इन 4-5 दिनों में सभी के सभी जो है विंटर फ्लावर्स लग जाने चाहिए, सभी के सीड्स। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि डेलिया को सीड से कैसे ग्रो करना है। अगर जिन लोगों के पास डेलिया पहले से है, वे इसके ट्यूबर्स जो है सेव करके वो लगाते होंगे, लेकिन मुझे इसके सीड्स लगाना ज़्यादा जो है पसंद है। तो दोस्तों, ये देखो, ये मेरे मैरीगोल्ड है जो अभी खिल रहे हैं। अभी इनका सीज़न जो है चल रहा है। तो ये मैंने, जैसे कि आपको दिखाई, ये छोटी सी पॉली बैग, इतनी सी मिट्टी में इन्हें मैंने लगाया था। अभी देखो कितने अच्छे खिल रहे हैं। तो मैंने ये पॉट लिया है, ये ब्लैक वाला जो प्लास्टिक पॉट होता है, इसमें मैंने अपनी गार्डन सॉइल जो है भर दी है। अच्छे से ये सॉइल सुखा के इसमें भर दी है, और इसमें मैंने कुछ सूखे हुए गोबर के टुकड़े डाल दिए हैं गोबर के उपले के। तो ये अपनी हमारी जो सॉइल है उसे वेल ड्रेन बनाएंगे, और फिर इन्हें इनसे जो है सॉइल में मॉइस्चर भी बना रहेगा। तो ये मैंने कुछ डेलिया के सीड्स कल परचेस करके जो है लाए थे। तो दोस्तों, आप जब भी ऐसे सीड्स परचेस करके लाए, तो जितने आपको लगाने लगा दे, 70% तो लगा दे, लेकिन कुछ 10-12 सीड्स आप साइड में रख दे, ताकि जो ये वाले अगर सीड्स ना लग पाए तो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो वाले सीड्स हमारे पास रहते हैं। तो लगाना कैसे है, तो डेलिया को सैंडी सॉइल पसंद है, अच्छी वेल ड्रेन्ड जो है इसे सॉइल चाहिए। तो मैं आपको प्रिफर करूँगा कि आपने डेलिया को मिट्टी के पॉट में लगाए, अगर आपकी सॉइल जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहती हो, क्ले सॉइल हो। तो मैंने कुछ एक सीड्स जो है साइड में स्टोर करके रख दिए हैं, और ये देखो इसकी सीड। तो इन्हें बस आपने ऐसे स्प्रिंकल कर देना है, जैसे मैंने आपको मैरीगोल्ड का या फिर गॉम्फ्रेना का बताया था, बस आपने जो है वैसे कर देना है। और शायद मुझे लगता है इसमें सीड्स बचे हैं, ये है। तो इन सभी को आपने जो है लगा देना है, और इसमें अच्छे से पानी डाल देना है। अच्छे से फर्स्ट टाइम आपने इसमें अच्छे से वाटरिंग जो है कर देनी है। तो फिर डेलिया के प्लांट्स का जो है विंटर सीजन में ही इन्हें फ्लावरिंग आती है, दिसंबर तक इनमें जो है फ्लावरिंग आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेलिया को सीड से कैसे ग्रो करना है। धन्यवाद।